अभी जैसे जीआरसी वापस खुला है तो आ, हमारे रोल में भी काफ़ी चेंजेस आया है जैसे पहले हम इन स्पेस संभालते थे लेकिन अभी नहीं संभालते हैं ज़्यादातर बाबा का भंडारा किचन ऑक्सफोर्ड में संभालते हैं उनके निमित्त बाबा ने बनाया है तो वो भी एक अलग से अनुभव है कि जब किचन में आ, दो तीन महीने में एक बार कुछ बनाते थे और अभी रोज बनाते हैं तो जरूर इनका एक अनुभव का ही सेशन रखेंगे पर इस विषय के ऊपर जब हमने सोच थोड़ी लगाई या संकल्प चले कि ये बाबा कई अव्यक्त खास मूल्यों में निश्चय के ऊपर बहुत सारी बातें बताई है और अल चार प्रकार के निश्चय भी हमने सुने हैं सबने और कैसे निश्चय का जो डेप्थ है उसकी जो गहराई है वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वो गहराई बढ़ती जाती है लेकिन इससे पहले हम एक गीत सुनेंगे जिनके महावाक्य ही ऑलरेडी हम क्लैरिटी देते हैं कि निश्चय कैसे विजयी बनती है और वो ब्राह्मणों के ही जीवन में है तो हम जस्ट अभी हम शेयर करेंगे वो गीत तो आप सभी जब गीत सुनते हैं तो ऐसे एक अनुभव की तरह कि उनके शब्द हमें कैसे हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करें तो योग की तरह ही हम उसको शुरुआत करेंगे ओम शांति तो जैसे हमने गीत में सुना कि ये ब्राह्मणों की निशानी है जहाँ निश्चय है वही विजय की हमारे लिए एक पाथ बन जाता है वो सीढ़ी है हमारी है तो वो तो होना ही था लेकिन हमें थोड़ी वार्निंग मिल गई तो ये क्लारिटी भी हमें कब आए कई बार कहते हैं ना ब्राह्मण कहते हैं ऐसे नेगेटिव नहीं सोचो आपके संकल्प सफल होंगे दैट इज ट्रू कि ब्राह्मणों के संकल्प सफल होते हैं लेकिन फिर पॉजिटिव क्यों नहीं होते सिर्फ नेगेटिव ही क्यों अगर आपके संकल्प सफल होते तो दिन में तो हम बहुत सारे पॉजिटिव संकल्प करते हैं वो क्यों सफल नहीं होते और एक दो कर लिया और सफल हो गया ऐसे तो नहीं होगा ना संकल्प को थोड़ी पता है मैं पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव हूं वो तो शक्ति के ऊपर आधार है कि हमारी स्थिति कैसी है जो स्थिति में जो संकल्प करेंगे वो सफल होगा तो इसलिए हनुमान जब भी संकल्प करते थे या कुछ भी परिस्थिति आती थी तो वो अपने जो ईस्ट देव को याद करते थे ना तो उनको सफलता मिल जाती थी तो इसी तरह से हम जब हमारा जब निश्चय है भगवान में बाबा में कि बाबा ने हमें जहाँ बिठाया है वही हमारा हमारे लिए वो कल्याणकारी समय है वो स्थान है वो लोग है जब उस निश्चय से हम करते हैं तो हमारी अंदर की जो चंचलता है मन की कमेंट करने के लिए वो खत्म हो जाती है कई बार बहुत चीजें हम अग्री नहीं करते हैं खास करके हमारे वेस्ट में ऐसा ज्यादा होता है कोई इवन मोर वेस्टर्नर्स जो चीज करते हैं ना कि ये तो इंडिया की है जैसे कभी भोग भी लगाते हैं ना तो कोई बोलते हैं ये तो क्या है भगवान थोड़ी भोग खाता है आप फिर भी लगाते हो या कुछ भी ऐसी चीजें जो हम रखते हैं जो पहले से यज्ञ में चली आई है चाहे वो ट्रैफिक कंट्रोल हो अमृतवेला हो भोग हो जिस तरह से जो भी सिस्टम बनाई है बाबा ने मम्मा ने उस टाइम पे वो सिस्टम चली आई है अभी हो सकता है कि हम कुछ बातों में अग्री नहीं करें मान लो थोड़ी देर के लिए कि हमें कोई चीज में हम अग्री नहीं करते हैं लेकिन विश्वास का दूसरा नाम है प्यार निश्चय का दूसरा नाम है प्यार क्योंकि जब जहां हमें निश्चय है वहां हमें प्यार है और जहां प्यार है वहां हम सब कुछ करने के लिए तैयार है पसंद है नहीं पसंद है बात ही नहीं है हुँ? जहां पे प्यार है स्नेह है प्रीत है वहां पे ना पसंद पसंद सब कुछ पसंद है तो जब हम शुरू शुरू में हमारे ब्राह्मण लाइफ में निश्चय बैठता है ज्ञान के आधार से जो का निश्चय ज्ञान के आधार से होता है क्योंकि ज्ञान नया है आत्मा में ऑलरेडी उनका बीच बोया हुआ है तो वो थोड़ा खिलता है तो सब कुछ अच्छा लगता है ये सबका अनुभव है ना ज्ञान में बचपन के दिन भुला नहीं देना बाबा बोलते हैं क्यों क्योंकि उस टाइम पे सब कुछ अच्छा लगता है अपना नया परिचय अपना सत्य परिचय मिलता है तो वो भी अच्छा लगता है इतना अच्छा परिवार मिला वो भी अच्छा लगता है मधुबन जाते हैं वो भी अच्छा लगता है बाबा से भी इतना प्यार मिलता है वो भी अच्छा लगता है तो सच में सब कुछ बहुत अच्छा है उस टाइम पे हमारा निश्चय बहुत पक्का होता है कि दिस इज राइट फॉर मी यही मेरे लिए सत्य है यही है फिर धीरे धीरे क्या होता है देखो निश्चय की भी परीक्षा होती है आपकी योग की परीक्षा होगी ना तो आपको ही पता होगा अंदर क्या चल रहा है ज्ञान की परीक्षा होगी ना आपको ही पता होगा कितना आप सुना सकते हैं कितना नहीं लेकिन निश्चय की परीक्षा सबको पता चलती है कि आपका निश्चय कितना है निश्चय की परीक्षा क्यों होती है क्योंकि उसमें हमारे अंदर जो चल रहा है इतने जन्मों से जो भरा हुआ है वो ट्रिगर हो रहा है वो बाहर आ रहा है वो सब एक जैसे कि प्रश्न की ओर है बहुत सारे प्रश्न इमर्ज हो जाते हैं कुछ करते करते और जब प्रश्न आ जाते हैं तो अनुभव होना बंद हो जाता है क्योंकि वहां पे बुद्धि स्थिर नहीं है भगवान के साथ का कनेक्शन और अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को बहुत स्थिर होना जरूरी है इसलिए इवन गीता में भी अर्जुन को कहते हैं मैं भी सोच रही थी कि बाबा कितनी बार हमें समझा रहे हैं आप सब आत्मा है देखिए अभिमानी आज भी मुरली में था हर रोज हमें बाबा बताते हैं आप आत्मा हो आत्मिक अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करें तो सोचो कि भगवान रोज हमें ये समझा रहे हैं और फिर उसमें बोल रहे हैं कि कोई ऐसा विरला है जो मुझे जानता है मानता है और मुझे पाने की कोशिश करता है तो हम सब अर्जुन है पढ़ रहे हैं बाबा से सीख रहे हैं लेकिन इसमें भी कौन से हैं जो सच में समझ कर, हनुमान की तरह संपूर्ण समर्पण है बुद्धि तो जब भी हम बाबा की हर एक बात को और इसमें भी क्लैरिटी हो ऐसे नहीं है कि हमें कभी भी प्रश्न नहीं करना है फिर ये भी आ जाता है कि प्रश्न नहीं करना चाहिए दैट इज ओ नॉट राइट प्रश्न पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करना बहुत जरूरी है प्रश्न ज्ञान को समझने के लिए करना बहुत जरूरी है प्रश्न योग की गहराई में जाने के लिए करना जरूरी है लेकिन प्रश्न सिस्टम के ऊपर करना प्रश्न व्यक्ति के ऊपर या व्यवहार के ऊपर करना या ज्ञान की पॉइंट को उल्टा समझने के लिए करना दैट इज कंफ्यूज माइंड उसमें अपीवल है अगर हम कोई बात नहीं समझते हैं और समझना चाहते हैं अलग बात है लेकिन नहीं समझते हैं या गलत समझ के गलत प्रूफ करना माइंड इज अ कॉम्प्लिकेट माइंड दुनिया में कॉम्प्लिकेशन कितनी बढ़ती जाती है और परमात्मा हमें क्या सिखाता है सिंप्लिसिटी जितना हमारा सिंपल माइंड जितनी हमारी स्थिरता होगी उतना कनेक्शन ज्यादा होगा और स्थिति भी स्थिरता भी स्थिति के साथ कनेक्शन है स्थिति हम सब बनाना चाहते हैं भी तो हमारा एक एम है ना दुनिया में कि हमारी स्थिति अचल अडोल हो तो गीत में था ना कि जहां पे निश्चय है उसे कोई हिला नहीं सकते हैं उसे हिला नहीं सकते लेकिन निश्चय कायम रखना समटाइम्स है या कोई ऐसी स्थान पे जैसे आप यहाँ आएंगे रिट्रीट सेंटर में तीन चार दिन रहेंगे आपको इतना अच्छा अनुभव होगा ऐसे लगेगा जैसे मिनी मधुबन है और उस टाइम पे जो बाबा कह रहे हैं ना उसमें निश्चय है जो ज्ञान मिल रहा है जो क्लासेस चल रही है जो हम बट्ठी करते हैं सब में जैसे लगता है कि नहीं यही राइट है क्या सेम अनुभव या सेम फीलिंग हमें होती है जब हम अपने स्थान पे या अपने कार्य व्यवहार में है जैसे हम उसको कैसे करें, सेंटर या आत्मस्फियर से क्रिएट किया हुआ अनुभव और अपनी स्थिति से अनुभव ये दोनों को हम कैसे रखें तो हम एक समान एक स्थिति रख सकते हैं अदरवाइज अभी भी हम इंफ्लुएंस्ड हो रहे हैं बाहर की परिस्थिति से पॉजिटिव इन्फ्लुएंस तो अच्छा है बट अगर पॉजिटिवली भी इफेक्ट हो रहे हैं तो कभी ना कभी नेगेटिव भी अफेक्ट करेगा है ना तो इसलिए अपनी स्थिति के ऊपर अटेंशन देना बहुत जरूरी है हमारी स्थिति है ये हमें अपने आप चेक करना है कि कैसे बिगड़ती है या कैसे बनती है जैसे जैसे हम अटेंशन लेंगे हमारी स्थिति कैसे मेंटेन रखें एक रस रहे तभी हम चेक कर पाएंगे उसका अगर नहीं रहती है तो कारण क्या है हमारी ऊपर नीचे होती है इसका रीजन क्या है कौन सी ऐसी बातें अंदर ट्रिगर होती है जो उस स्थिति को एकरस नहीं होने देती जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं गहराई में जाते हैं अपने आप को देखते हैं ज्यादा बाबा क्या कहते हैं खुद को देखो स्वयं को जब स्वयं के ऊपर ध्यान देते हैं और स्वयं से हम समय निकालकर बातें करते हैं या बैठते हैं या समझने की कोशिश करते हैं भी जैसे आज सुबह ही यहाँ कोर्स ये क्लास के पहले ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई क्योंकि सब रश रश था थोड़ा जल्दी जल्दी सारा प्रिपेयर करना था तो उसमें ही कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जो नॉर्मल नॉर्मली क्या होता है सीधा हम बोल देते हैं जो मन में आता है प्रेशर टाइम पे जब भी कोई आपका प्रेशर होगा ना उस टाइम पे जो आता है वो बोल देते हैं बट अगर हमने ये अनुभव किया कि उस टाइम पे हम अपने मन को बोलते थे अभी नहीं थोड़ी देर के बाद थोड़ा कर कर देते हैं वो वो सिचुएशन से से या वो व्यक्ति से। जैसे हमने कर दिया उसका जो फोर्स था ना वो बहुत कम हो गया फिर हमने जाके सेम थिंग जो बोलना था वही बोला लेकिन जो फोर्स या तो जो टोन उसमें बहुत फर्क आ गया और वो इतना इम्पैक्टफुल था कि सामने वाले व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि सच में क्या उन्होंने किया अभी हमको सफलता कहाँ चाहिए सफलता ये नहीं है कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो या हमें जो सोच रही हूँ वही हो सफलता ये है कि हम सब रियलाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं हम खुद भी रियलाइज करें अगर हमारी गलती है तो अगर नहीं है तो औरों को भी रियलाइज हो बट किसी भी व्यक्ति को फोर्स से नहीं दे सकते हैं रियलाइजेशन किसी भी व्यक्ति को उस टाइम पे नहीं आ सकता है जिस टाइम पे वो रेडी नहीं है तो हमारी सफलता में कई बार होता है ना कि हार में भी जीत है तो वो क्या है हार में जीत माना ये नहीं कि हम स्वीकार कर लें और अंदर मान ली ये मेरी जीत है जो भी सिचुएशन को स्वीकार करें और मन को समझाएं इसमें भी जीत है नो no, ऐसा नहीं है, जीत है जीत कि हम राइट राइट टाइम पे एक्शन right, uh, ले या हमारा जो भी रिस्पॉन्स है वो राइट right टाइम पे हो समय बहुत महत्वना है जीवन में समय के ऊपर अगर हम ध्यान दें टाइम इज मनी दुनिया में ऐसे कहते हैं एंड आई रिमेम्बर इवन जब मेरा भी की जॉब था हमारा पंद्रह मिनट भी बहुत वेल्यूबल था जैसे हम पहले uh, जॉब करते थे जस्ट बिफोर दिस लॉकडाउन ड्राइविंग सिखाते थे सो so, एक एक लेसन के बीच में सिर्फ दस या पंद्रह मिनट का गैप है उसके बाद दूसरा लेसन है दट टेन मिनिट्स और फिफ्टीन मिनिट्स मेरे लिए इतना वेल्यूएबल था क्योंकि उस टाइम पे सारा नेक्स्ट का प्रिपेयर भी करना है ब्रेक भी लेना है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग भी करनी है और हम टाइम के ऊपर बहुत पंक्चुअल लेते थे क्योंकि जो लेसन स्टार्ट करना है वही एक्यूरेट टाइम पे जाना है उसको टाइम पे पूरा भी करना है क्योंकि नेक्स्ट लेसन एक्यूरेट टाइम पे शुरू करना है तो घड़ी हमारे लिए कोई स्ट्रेस नहीं था लेकिन अटेंशन बहुत था हर एक मिनट को हमने देखा बहुत वैल्यूबल थी हम देखते थे कि अगर पांच जैसे कैलकुलेशन थी कि किसी के घर के आसपास ड्राइविंग सिखा रहे हैं पता है पांच मिनट में वापस पहुंचेंगे ना तो चार मिनट में रिटर्न वहां पे बैठे हैं घर के बाहर ही एग्जैक्ट टाइमिंग तो इसलिए समय इज मनी दैट इज़ इन द वर्ल्ड आउटसाइड हमारे लिए भी बहुत महत्व है समय हमें देखना है कि हम समय को यूज कैसे करते हैं समय जब है हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी उस टाइम पे भी हम इंटरनली क्या सक, कर सकते हैं अपने अंदर परिवर्तन लेना अपने अंदर अपने आप को जानना चेकिंग की कितनी सारी पॉइंट्स है ड्रिल्स कितनी सारी है तो जो समय हमें मिलता है उस समय की हम वैल्यू जान के उसको सफल करते हैं तभी जीवन में भी सफलता आती है तो जैसे जैसे बाबा हमें जो सिखाते हैं जो 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 में आता है, वो बातों को अगर अंदर हम करते रहेंगे, बातें हमें टच होती है जो ज्ञान की पॉइंट्स हमें प्रैक्टिकल लगती हैं, उस बात पर हम ध्यान देकर अटेंशन देकर उसको हम आगे बढ़ाते रहें। तो योग बहुत सहज हो जाता है अगर आपको योग की गहराई में जाना है तो आप ज्ञान और ज्ञान के चिंतन की गहराई में जाओ जितना आप तो ज्ञान के चिंतन की गहराई में जाएंगे, योग सहज हो जाएगा आप हमने ये भी अनुभव करके देखा है कि अगर बहुत सेवा में बिजी हो जाते हैं और ज्ञान का साइड रख देते हैं माना मुरली सुन लेते हैं लेकिन उसके बाद संकल्प कोई नहीं चलते हैं या ऐसी सोच नहीं चलती है तो उसका जो फिर हम योग में बैठते हैं ना प्रभाव होता है तो मन को नरिश करने के लिए मन को मजबूत बनाने के लिए मन को हेल्थी रखने के लिए ज्ञान का चिंतन भी बहुत जरूरी है ऐसे ऐसे टॉपिक जब मिल जाते हैं तो अच्छा लगता है कि उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन हमने ज्यादा तो टाइम नहीं मिला था इसके लिए लेकिन दो तीन दिन से इसके ऊपर सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ हमारे निश्चय में एक डाउट क्वेश्चन आता है ये हम अपने आप को चेकिंग कर रहे थे कि ऐसा है कि ड्रामा में कभी निश्चय आया स्व में आया परिवार में है या बाप में है तो अच्छी चेकिंग भी हो जाती है और ऑब्जर्व जितना हम हमारे व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे जितना हम खुद के विचारों को ऑब्जर्व करेंगे खुद के ऊपर अटेंशन देंगे उतना हम जल्दी अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं हमारा माइंड हम सबका माइंड बहुत चंचल होता है अगर हमने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया ना तो किसी और ऊपर अटेंशन देना शुरू कर देंगे और हमको पता है कि जब हम दूसरों को देखने लगते हैं तो क्या होता है बहुत रेयरली ऐसा होता है कभी कभी हम अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी उठाते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या दिखाते हैं जब औरों के ऊपर हम अटेंशन देखते हैं तो नॉट ऑलवेज की क्वालिटीज दिखाई दें उनकी विशेषताएं दिखाई दे हम बाहर जाते हैं तो नेचुरली दिखाई देता है सहज बन जाता है लेकिन जिसके साथ रह रहे हैं या जिसके साथ हम जॉब कर रहे हैं या जिसके साथ हमारा कनेक्शन है उनके साथ रोज विशेषता को देखना ये भी एक पुरुषार्थ है इसलिए दूसरों के ऊपर विशेषता हम तब देख सकते हैं जब हमारा स्वयं के ऊपर वो अटेंशन है आई में बहुत समय पहले हमने एक कोर्स में सुना था वो भाई लौकिक ये शायद राज्यों का कथा या ऐसे ही कोर्स में सुना रहे थे कि इफ यू उन्होंने इंग्लिश में कहा था इफ यू डोंट लव योरसेल्फ सेल्फ हाउ डू यू एक्सपेक्ट अदर्स लव यू हम अगर स्वयं को ही अपने आप को स्नेह प्यार से नहीं समझते हैं या नहीं करते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरे हमें प्यार करें ये कैसे हो सकता है हमें स्वयं से नहीं है और हम साथ चाहते हैं कि दूसरे मुझे पसंद करे लेकिन हम खुद को पसंद नहीं करते हैं ये कैसे होगा हमारे धीरे धीरे हमारे में कितनी अच्छाइयां आने लगे कि हम स्वयं को पसंद करें फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि दूसरे की आप पसंद बन जाएंगे इसलिए बाहर दुनिया में देखो एक्सटर्नली बाहर सब कुछ करते हैं अच्छा दिखने के लिए हमारा अटेंशन है हमारा मन को कैसे अच्छा बनाए अगर हमारा मन अच्छा बन जाता है शुद्ध दादा अभी देखो दादी प्रकाशमणि का समय चल रहा है मंथ चल रहा है उसकी विशेषता ये एक थी कि तो उसका मन बहुत स्वच्छ था बहुत क्लीन और प्योर इसलिए उनको सब याद करते हैं उनको बहुत प्यार करते हैं उनकी फोटो से भी आपको अनुभूति आएंगी कि वो प्यार की मूर्त थी उसके पास बैठने से या बात करने से तो होगा लेकिन उनकी तस्वीर से भी वो महसूसता होती है कि वो स्वयं एक प्यार की मूर्त थी कब जब उनको खुद से इतना था वो अपने आप से भी इतना रिस्पेक्ट से इतना स्नेह से बात करते थे तो वो क्या हमारे में है हम जब भी सीनियर्स को देखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो वो या उनके बारे में वर्णन करते हैं या किसी से सुनते हैं तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ बातें हम सुनते हैं इवन दुनिया में भी बहुत सारे लोग है जिसके बारे में हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं जो चले गए हैं उनके बारे में हम सुनते हैं क्या हम अपने बारे में कभी सोचते हैं बैठ के कि हम कितना ग्रेट कर रहे हैं या हम क्या करना चाहते हैं क्या वही रास्ते पे है वही पाथ में है हम जो हमें भगवान ने सिलेक्ट किया है जहां पे हमको भगवान ने निमित्त बनाया है ये सारी बातों में भी निश्चय रखे कि बाबा ने मुझे सेलेक्ट किया है चलो आप कहीं कभी ऐसा होता है कि हम कहीं निमित्त नहीं होते हैं किसी किसी भी हम सेवा के लिए निमित्त नहीं बनाया है हम खुद अपने आप को निमित बना सकते हैं ना। बहुत सारी सेवाएं हैं। तो हम किस बात में निमित माना रिस्पॉन्सिबल है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा कितना फेथ है उसको हम कैसे आगे बढ़ाते हैं ये सारी बातें जब अंदर चलती है रिफ्लेक्ट होती है तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं वो जो जो रिफ्लेक्शंस है जो हम आ, अंदर संकल्प करते हैं गहराई में जाने के लिए पुरुषार्थ के लिए समय निकाल के ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल है ना इतने सारे डिस्ट्रैक्शन आ गए हैं कि आप थोड़ी देर भी बैठो अगर मोबाइल फोन लेके बैठते हो तो समय कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा इसलिए कभी कभी है ना फोन को स्विच ऑफ करना भी बहुत जरूरी है वो फिजिकल फोन स्विच ऑफ होगा ना तो यहां से भी थोड़ी हलचल कम होगी क्योंकि माइंड को आदत है भागने की और जहां माइंड भागेगा बुद्धि उसका विजुअलाइजेशन करेंगे ये दोनों जब साथ में होंगे ना तो उसको फिर कट करना बहुत मुश्किल है इसलिए बुद्धि की दौड़ बाबा के साथ है तो मन धीरे धीरे वहां आएगा बट दोनों साथ में होना चाहिए हम कभी सुनते हैं लेकिन हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ भटकती रहती है कुछ ना कुछ देखती रहती है बुद्धि को तीसरा नेत्र भी कहते हैं वो अपनी वो आंख है तीसरा नेत्र है जो देखती है विजुअलाइजेशन करती है पिक्चर्स इसलिए कोई भी चीज है ना आप फोटो देखेंगे और सुनेंगे तो ज्यादा याद रखेंगे अभी भी जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं अभी वीडियो बंद होगी और सुनेंगे ना सिर्फ तो आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा देखना और सुनने में कंसंट्रेशन ज्यादा है ये अनुभव करना आपका भी कि बिना देखे कुछ सुनते हैं कितना लंबा कंसंट्रेशन रखता है और देखने के साथ सुनते हैं तो ज्यादा रहता है इसलिए बाबा ने खुल ओपन आई मेडिटेशन बंद होके तो कहां चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा बैठे हैं योग में लेकिन बुद्धि कहीं ना कहीं भटकती है आंख खुली है तो अलर्ट हो सकते हैं तो इसलिए जब दोनों साथ में है तभी हमारा कंसंट्रेशन रहेगा तो अनुभव होगा निश्चय बढ़ेगा तो, तो सफलता आएगी अभी कुछ समय प्रश्नों के लिए रखें, अगर किसी के मन में कोई सवाल आता है किसी को कोई अच्छा एग्जाम्पल है शेयर करना है क्योंकि भक्ति में भी कहे काफी एग्जाम्पल होते हैं ना ये कितना अच्छा अनुभव है कि हनुमान के मंदिर है और अर्जुन की सिर्फ कथाएं हैं भगवान दोनों के साथ थे तो हम कौन सी साइड में है सिर्फ कथा की तरह हमारा नाम जाएगा या मंदिर लायक पूजनीय लायक हाँ वैसे प्रश्न तो जिनके हैं वो पूछ सकते हैं तब तक हम शेयर करते हैं पाण्डव सेना लेकिन पांडवों की पूजा नहीं होती आपने भी के नहीं होते हनुमान के मंदिर होते हैं तो सुधेश सिद्धि आए थे तो, थी, तो उसमें प्रश्न पूछा था तो दीदी ने कहा की जब शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं ना तो पावन होते हैं तो उनकी ही पूजा होती है जैसे पांडवों का शरीर भले प्रकृति के तत्वों से है ना पावन था शरीर लेकिन न कहीं ना कहीं उनमें कहीं के विकार या भावनाएं थी इसलिए उनकी पूजा नहीं होती और किसी के कोई प्रश्न है अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो ये पांच एक मिनट है अभी तो ब्राह्मणों का जैसे जैसे अभी समय नजदीक आता है साइकल का ये संगम युग का तो सभी हम आत्माओं के जो भी अंदर संस्कार है कड़े संस्कार कहें दबे हुए संस्कार कहें वो बाहर आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भले हम हम जितना भी पुरुषार्थ करें लेकिन एक पवित्र जीवन जी रहे हैं तो अंदर से सारा निकलता ही है तो सभी के जीवन में बहुत सारी चाहे वो अपने स्वयं मन की हो शरीर की हो संबंध की हो फाइनेंस की हो सारी परिस्थितियों से हर एक व्यक्ति अभी जूझ रहा है और इसमें से ये संस्कार बाहर आ रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है जो पक्के बनो जन्मों जन्मों से उनको यूज़ करते आए हैं तो ऐसे सारे संस्कार जब बाहर आ रहे हैं सबके उस टाइम पे भगवान परिवार ड्रामा और स्वयं में निश्चय होना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अगर दूसरों को देखेंगे और उसका प्रभाव हमारे ऊपर होगा तो हम साइड हो सकते हैं ज्ञान से भगवान से भगवान की शक्तियों से वंचित हो सकते हैं इसलिए इस समय बहुत बहुत जरूरी है जैसे शुरुआत में था यज्ञ की शुरुआत में निश्चय बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए उस टाइम पे वहां पे विजन्स आए सबको साक्षात्कार हुआ कृष्ण का हुआ सत्यु का हुआ क्योंकि उस टाइम पे ये निश्चय बिठाना बहुत जरूरी था कि भगवान ही आया है ज्ञान देने के लिए उनके सामने तो कोई एग्जाम्पल नहीं थे सब नए नए थे तो उस टाइम पे ये जरूरी था अभी सारा ज्ञान है ज्ञान की विस्तार है ज्ञान के बहुत सारे एग्जाम्पल है तो ये लास्ट में भी हमें वही विश्वास रखना है कि हमें पढ़ा कौन रहे हैं और ये ज्ञान कितना श्रेष्ठ और सत्य है उसके ऊपर अभी विश्वास रखेंगे तो ये लास्ट में भी बहुत सारी परीक्षाएं आएंगे बट हम उसमें पार कर सकेंगे एक बार आप सबने भी सुना होगा कहते हैं ना कि वो जाड़ है उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं कुछ कुछ पत्ते फिर पीले हो जाते हैं और अपने आप ड्रॉप हो जाते हैं अपने आप वो चले जाते हैं तो हमें भी देखना है कि ये जाड़ अभी हिल रहा है थोड़ा हमको ऐसे पत्ते तो नहीं है जल्दी से निकल जाते हैं अच्छा किसी और को पास है कुछ शेयर करने के लिए कोई प्रश्न आया सी समथिंग